सो हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है मेंडे। तो यार अब इस गेम प्ले के बारे में बात करने से पहले मतलब मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि हो सकता है कि फ्यूचर में मेरी ये कोई वीडियो मतलब लेट हो जाए क्योंकि एग्जाम्स आ रखे हैं। हाँ, ऑनलाइन वाले एग्जाम्स, क्योंकि मेरे स्कूल वाले थोड़े पागल किस्म के अब होते हैं यार। मतलब शहर से सभी को अपना स्कूल पसंद नहीं रहता और मेरे साथ भी वही केस है। तो अब एग्जाम्स आने वाले हैं और ना जाने क्यों इस बार ना थोड़ी लगे पड़ी है क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है। यहाँ पर मेरे को लगा था बिल्कुल भी नहीं होगा एग्ज़ाम, इसलिए मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की। तो अब यार वो सब चलता रहेगा और एग्ज़ाम फिलहाल मेरे स्टार्ट होने वाले कुछ दिनों बाद। तो अब वैसे मेरे पास और उस टाइम मैं खेलूँगा भी नहीं, तो कुछ दिनों मतलब थोड़े टाइम बाद मैं खेलूँगा भी नहीं और तब रिकॉर्डेड गेम्स गेम प्लेज भी रहेंगे नहीं, तो वीडियोज़ आना भी बंद हो जाएंगे। फिर वैसे एग्ज़ाम के बाद मैं आ जाऊँगा वापस से सही टाइम पर और फिर चलता रहेगा वैसे जैसे चलता है। जब बात कर लेते हैं गेम प्ले की, तो यहाँ पर एक स्क्वाड आ रखी थी और वैसे हम लोग को पता नहीं था कि यहाँ पर एक स्क्वाड है ऑलरेडी। तो अब यहाँ पर मैं आराम से FPV में लूट रहा था, घरों को लूट रहा था। फिर मेरे टीममेट कॉल देते कि यहाँ पर कुछ बंदे आए गए, उन पर हमला कर रहे, तो भाई रक्षा करते मेरे टीम मेट की। यहाँ पर मार उसको, दे दे, तेरे पास ही है, तेरे पास ही है। तो अब यहाँ पर मेरे को फिलहाल के लिए तो मतलब बंदों की पोजीशन पता नहीं थी, मगर तभी एक बंदे की मेरे को राइट से फुटस्टेप आ जाती है। और भाई FPP पे क्या ही दिखते बंदे, इस बार कैसे नॉक हो गए आप? तो अब यहाँ पर इस वाली स्क्वाड का लास्ट बंदा मेरा टीममेट ले जाता है और ये स्क्वाड वाइप आउट हो जाती है। वैसे ये जो बंदा था ना यहाँ पर इस छत के ऊपर जो खड़ा था, इसकी मतलब जान सकता हूँ भाई इस बंदे को कैसा लग रहा होगा। मतलब ये ऐसी जगह में आ रखा है भाई जहाँ लूट मिलना लगभग नामुमकिन सा हो रखा रहता है। तब हम लोग वैसे स्क्वाड तो वाइप आउट हो जाती है, अब नया मैच स्टार्ट करेंगे यार, दूसरी जगह जाएंगे शायद जहाँ उनको अच्छी लूट भी मिल जाए। पर अब हम लोग यहाँ पर क्या ही कर रहे थे, हम वैसे चेयर में बैठ के फोटो शूट करवा रहे थे। यहाँ पर मेरे को लग रहा था कि यार जब चौथे बंदा जब अगर कोई चौथा टीममेट होगा तो सीधे चेयर में बैठ जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। नहीं आएगा। खींच लो फोटो, खींच लो मेरी फोटो। एडिट कैसे होगा भाई? एंड लिखा है ना, एंड मेरे में है। तो मैं यहाँ पर गाड़ी ढूंढने आता हूँ और मेरे को गाड़ी मिल भी जाती है, पर तभी मिल्टा पे मेरे टीममेट के ऊपर रस हो जाता है। मेरे पास आओ मेंडर भाई, बंदे आए। अबे मेरे पास गाड़ी गई है, इधर गाड़ी गई। 81 का पेटी भाई, इधर आ जाओ। तो अब यहाँ पर सीन कुछ ऐसा बना रहा था कि मतलब पहले मेरे को लग रहा था कि ढांसिया पे एक बंदा बैठा पड़ा है, पर असल में वहां पर बंदा बैठा नहीं पड़ा रहा था और जो ही मार पड़ती है ना मतलब पूछो मत बस। और यहाँ पर तो सीधा नॉक कर दिया गया है मेरे को। तो वैसे अब मैं टीममेट को उनकी लोकेशन बताता हूँ कि भाई ये बंदे दो घरों पे बैठे पड़े, मतलब देख के आना। ठीक है, मैं तेरे को रिवाइव देने आ रहा हूँ। तो अब यहाँ पर मेरा टीममेट जैसे तैसे यहाँ पर आके मेरे को रिवाइव दे जाता और मैं तुरंत पीछे भाग जाता हूँ। बस रोड के उस पार रखना भाई, बस रोड के उस पार रखना, बाकी देख लेंगे अपन। तो अब जैसे ही मेरी यहाँ पर हिल पूरी हुई, मेरे को एक बंदा दिखाई पड़ता है। तो अब हमारे ये वाले भाई न जाने क्या करने की कोशिश कर रहे थे, मगर जो भी हो भाई को पकड़ लिया गया है यहाँ पर। उसको एक हिट देना, कान हिट ज्यादा मत चिपका। अबे हट, अबे कहाँ से मार रहे हैं? अबे मैं हेड के चक्कर में खा गया जबरदस्त, हेड चिपकाने के। अबे नहीं दिख रहे हैं कौन कहाँ से मार रहा है, मैं कसम से बता रहा हूँ। सामने वाला ब्रोकन वॉल है, खिला रहा है वो, देख मैं उसको मारा। तो
तो अब यहाँ पर सिर्फ फिर आखिरी टीममेट बच रखा रहता है और वो भी सामने से आता है। ठीक है आ गया। खत्म कर दो ठीक है, अभी वाइप करो। तो मिल्टा पूरी तरह से साफा चट हो चुका रहता है, मतलब वहां पर एक भी बंदा नहीं बच रहा था। और आप लोग यहाँ पर अब ड्रॉप के पीछे आ जाते हैं और ड्रॉप में पहले से एक स्क्वाड पहुंची हुई थी और देखो हमारे साथ क्या होता है। तो असल में अब यहाँ पर ड्रॉप के आसपास पहले से दो स्क्वाड्स के बीच में फाइट भी रहती है और हम लोग यहाँ पर तीसरी स्क्वाड रहते हैं और यहाँ पर हम लोग इतने गंदे तरीके से फंस चुके थे, मतलब जो आखिरी सहारा रहता है ना, मतलब वो ठीक ठाक बताऊँ तो ये एक तो पहली बात ये ड्रॉप का कवर रहता है और स्मोक रहता है, मतलब अगर ये ड्रॉप और अगर यहाँ पर ये स्मोक नहीं होता ना तो मतलब हम लोग यहाँ पर शायद ही बच पाते। और देखो कैसे यहाँ पर से निकलते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे धीरज भाई ये बोलते हैं कि भैया गाड़ी लो और भाग जाओ पीछे। तब कहाँ से गाड़ी लाएंगे यार, गाड़ी जो हमारी थी यूएस वो फट चुकी है और पीछे जो बगी खड़ी है अगर उसको लेने जाएंगे ऊपर पे तो मतलब सीधा क्रेटी बनानी है ऊपर वालों ने, मतलब चारों तरफ से यहाँ पर फंसे पड़े हम लोग। बच गया मैं। इसलिए बोलता हूँ मत खिला करो ज़्यादा। तो अब हमारे यहाँ पर धीरज भाई जैसे ही बोलते कि भैया बच गया मैं यहाँ पर और तुरंत उसके बाद नॉक हो जाते हैं। और भैया बहाना देख रहे हो धीरज भाई का, मतलब हिला मत करो ज़्यादा, मतलब हमारे हिलने के कारण धीरज भैया नॉक हो जाते हैं यहाँ पर बहुत सही। तो अब यहाँ पर भैया मतलब ये अच्छा सीन होता है कि यहाँ पर अब चौथी स्क्वाड भी आ चुकी रहती है और जो वो जो स्क्वाड रहती है ऊपर में वो दोनों आपस में लड़ भिड़ जाती है और यहाँ पर हमको टाइम मिल जाता है खबर में आने का। एक पेड़ के पीछे एनिमीज अहेड। अरे बहन सिक्स एक्स है लगता है उसके पास, सिक्स एक्स है उसके पास सारा चुकी है। रिवाइव दो, पेड़ के पीछे, पेड़ मत जाओ मार देगा। अच्छे बढ़िया भाई मैंड्रिन भाई, क्या हो सुपर स्टार निकले भाई। वाह भैया मतलब पलटना ना इसको कहते हैं, असल बात में इसको पलटना कहते हैं। मतलब पहली दफा मेरी बेइज्जती की जा रही थी भैया, मतलब पिक मत करो तुमको पकड़ लिया जाएगा। और दूसरे एक पल मतलब मेरी तारीफ की जा रही है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मैं आराम से हिल मारता हूँ क्योंकि अब इनका सिर्फ आखिरी बंदा बच रहा है जो कि उस सामने वाले पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। तो अब हम लोग वहां पर से दबा दबा के लूट करते हैं और जो भी है वेस्ट करी गई है वो सब के सब वापस से भर ली जाती है। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आगे की तरफ आ चुके हैं और आगे ना मतलब ऐसी खतरनाक बंदी दिखाने वाला हूँ जो कि भैया मतलब आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं और पता तक नहीं चलता हम लोगों को। अरे स्लो चलाओ, पता भाई पबजी से मैं विश्वास कर लिया। तो मैं यहाँ पर जैसे ही गाड़ी घुमाता हूँ मेरे को खिड़कियों पे दो दो बंदे दिखाई देते हैं, उन सामने वाले मतलब घरों पे दिखाई, एक ही घर पे दिखाई देते, दो बंदे की ढबली चमक रही थी वहाँ पर और मतलब पिक कर रहे थे मेरे पे और दोनों की बराबर फुट स्टेप भी आ रखी थी मेरे को मैप पे। मगर जैसे ही मैं यहाँ पर इन लोगों के ऊपर रश करने जाऊँगा ना, इस घर में घुसूंगा ना, दोनों के दोनों बंदे गायब हो जाएंगे। जाना है क्या जोन, जाना है क्या? हाँ निकल यहाँ से। सब भाग गए भाई यहाँ से। तो न जाने ये बंदे कितने जमानों से भाग चुके रहे थे और हमको यहाँ पर भनक तक नहीं लगती इनकी भागने की, मतलब वैसे तो मेरे खुदने की आवाज तक नहीं थी, मतलब पता नहीं कैसे भाग गए ये बंदे। तो वो बंदे तो मिले नहीं और यहाँ पर अब सिर्फ आखिरी बंदा बच रखा है जो कि बंदा नहीं रहता, असल में एक बॉट रहता है। मतलब ये चीज़ देख के मैं भी हैरान हो रखा हूँ, मतलब वैसे ही मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ था, जब पहली बार हुआ था तब मैंने इस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया था, मगर अब रिकॉर्डेड भी है मेरे पास, मतलब प्रूफ है यार कि आखिरी बंदा एक बॉट मिला मेरे को यहाँ पर। और वो बॉट भी कैंपिंग बिड़ा के बैठ चुके हैं इन घरों में। मैं कर दिया हूँ अरे गलत कमांडर भाई, कौन मारा धीरज भाई को मार दिया यार। किल भाई किल, अरे ये बॉट था।
इसका एड्रेस दिखा तो इधर आओ बहुत ऑफलाइन था नहीं 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 ये देख हां कसम से कसम से ये देख 100 चार्ट पे जो कपड़ा आपको क्या जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ ये देख इसका ट्रेड देख बस हां बताओ भाई जहां से आया वहीं पर मारा रखा उतरा यहीं पर था ये उसी